नेचुरल लॉ स्कूल की अस्पष्टता और इसके एक्सपोनेंट्स के थ्रू इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जाने के अगेंस्ट में, इसके विरोध में एक जो नई विचारधारा का उदय हुआ उसे हम एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। एनालिटिकल स्कूल को हम इम्पेरेटिव, ऑस्टिनियन या पॉजिटिव लॉ स्कूल के नाम से भी जानते हैं। एनालिटिकल स्कूल के एक्सपोनेंट्स का ये मानना था कि राइट्स आर नॉट नेचुरल बट क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ स्टेट। दैट मींस कि वो ये मानते थे कि जितने भी राइट्स हैं वो कहीं भी नेचर के थ्रू नहीं दिए गए हैं, ये स्टेट के थ्रू दिए जाते हैं, स्टेट के एक पॉलिटिकल सुपीरियर के थ्रू दिए जाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में इसी एनालिटिकल स्कूल का एनालिसिस करते हुए इसके मेन फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से एक और अध्याय के साथ में, जो कि है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल स्कूल नेचुरल लॉ स्कूल से इस तरह अलग है क्योंकि नेचुरल लॉ जो है ह्यूमन इंसाइट के साथ में रीजन वगैरह अस्पष्ट चीज़ों पर ध्यान देता था, जबकि एनालिटिकल स्कूल टोटली लॉजिक्स पे बेस है। अब अगर बात करें एनालिटिकल स्कूल के मेजर एक्सपोनेंट के बारे में, तो सबसे पहला नाम आता है बेंथम का, जिन्हें फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है। और इनकी प्रमुख देन इनकी थ्योरी ऑफ यूटिलिटी है, जिसके अंतर्गत ये ना था कि जो चीज़ें व्यक्ति को दुख अनुभव कराती हैं व्यक्ति उन चीज़ों से बचना चाहता है, और जो चीज़ें उसे सुख देती हैं, आनंद देती हैं, व्यक्ति उन्हें बार बार दोहराना चाहता है। इसके साथ ही साथ बेंथम ने लॉ को दो पार्ट्स में, जो कि पहला एक्सपोजिटरी दूसरा सेंसोरियल में डिवाइड किया। एक्सपोजिटरी के अंतर्गत लॉ को एज इट इज़ पढ़ा जाता है और सेंसोरियल के अंतर्गत इसे ऑट टू बी अर्थात एक आदर्शवादी सिद्धांत के अंदर में पढ़ा जाता है। बेंथम का तीसरा काम इनका मोरेलिटी का लॉ से अलग करना है, ये कहीं भी लॉ को मोरेलिटी से रिलेटेड नहीं पाते थे। एनालिटिकल स्कूल के दूसरे मेजर एक्सपोनेंट्स में नाम आता है ऑस्टिन महोदय का, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रोविंस ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस के अंडर में जुरिस्प्रूडेंस को एक सिस्टमेटिक वे में डिफाइन किया। जॉन ऑस्टिन को ही द फेमस कमांड थ्योरी का रचयिता माना जाता है, जहाँ पे वो ये कहते थे कि ये जो लॉ हैं वो एक पॉलिटिकल सुपीरियर्स के कमांड होते हैं। जॉन ऑस्टिन के अनुसार ये पूरी जो सोसाइटी है वो एक हायरार्की की तरह है, जहाँ पे सबसे सुप्रीम पे एक्सट्रीम पे एक सुपीरियर अथॉरिटी होती है और उसके नीचे सारे इन्फीरियर्स होते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ कमांड्स फ्लो करते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ ड्यूटीज़ फ्लो करते हैं, और इनके बीच में जब भी कोई इंटरफेरेंस एक हस्तक्षेप आता है तो वहाँ पे बात आती है सैंक्शंस और ड्यूटीज़ की। दैट मींस कि ऑस्टिन के अनुसार लॉ के चार पार्ट्स होते हैं, चार मेन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला कमांड, दूसरा सवर्निटी, तीसरा सैंक्शंस और चौथा ड्यूटीज़। इसके साथ ही साथ जॉन ऑस्टिन ने लॉ को लॉ इम्प्रॉपर सो कॉल्ड, लॉ प्रॉपर सो कॉल्ड दो जगह पे डिफाइन किया। लॉ प्रॉपर सो कॉल्ड के अंतर्गत सबसे पहला गॉड का लॉ आता है, दूसरा ह्यूमंस का लॉ आता है। लॉ इम्प्रॉपर सो कॉल्ड के अंतर्गत जजमेंट लॉ, प्रेसिडेंट्स और बाकी के इंटरनेशनल लॉज आते हैं। और उन्होंने कुल मिला के लॉ प्रॉपर सो कॉल्ड के अंतर्गत जो ह्यूमन लॉ है उन्हीं को वरीयता दी। एनालिटिकल स्कूल के बाकी एक्सपोनेंट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने बुक्स, अपने विचार जो कि स्टेट और लॉ और राइट्स से रिलेटेड थे, उनको देख के एनालिटिकल स्कूल के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करी। और अब बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल की कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद। तो इनका पहला कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि इनका पूरा स्टडी एक लॉजिक, एक रियलिटी पे बेस होता था। इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल की तरह ना तो पास्ट में जाके, नेचुरल लॉ स्कूल की तरह ना तो फ्यूचर में जाके स्टडी नहीं किया लॉ का, जबकि प्रेजेंट में एज इट इज़ जैसा लॉ है वैसे स्टडी किया। इनका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन लॉ को मोरालिटी और रिलीजन से अलग करना था। इनका तीसरा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन लॉ का एक सिस्टमेटिक स्टडी करना था। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इनका पॉजिटिव लॉ की अवधारणा को एस्टेब्लिश करना था, जहाँ का ये कहना था कि लॉ जो होते हैं वो एक पॉलिटिकल सुपीरियर के कमांड्स होते हैं, इन्हें आज हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में फॉलो जरूर कर रहे हैं। आई होप आपको आज एनालिटिकल स्कूल के मेजर फीचर्स और उसके एक्सपोनेंट और उनके सारे थॉट्स, कंट्रीब्यूशन ऐसा समझ में आ गए होंगे। जुरिस्प्रूडेंस के बाकी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।